गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड SST लेसन 6 को स्टार्ट कर लेंगे, जो कि है आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मींस पर्यावरण। तो इस लेसन को आज हम डिस्कस कर लेंगे। सो विल स्टार्ट विथ व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होती है? आवर एनवायरनमेंट इज़ मेड अप ऑफ आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं वो पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट होती है, जैसे घर, बिल्डिंग, सड़कें, एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में आती हैं। व्हेन वी लुक अराउंड वी सी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो द लिविंग बीइंग एंड लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स मेक आवर एनवायरनमेंट। सो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को लेकर बना हुआ है, ठीक है। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो लिविंग थिंग्स हैं, और एयर, वाटर, लैंड एंड बिल्डिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। सो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है। नेक्स्ट हम पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। पोल्यूशन यानी प्रदूषण। सो व्हाट इज़ पोल्यूशन? पोल्यूशन इज़ एन एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू आवर एनवायरनमेंट एंड मेकिंग इट डर्टी। पोल्यूशन यानी प्रदूषण, यानी हवा में जो हम गंदगी फैलाते हैं, या मिट्टी में गंदगी फैलाते हैं, या पानी में जो गंदगी फैलाते हैं, उसे ही प्रदूषण यानी पोल्यूशन कहा जाता है। उस एक्ट को पोल्यूशन कहा जाता है। आवर एनवायरनमेंट गेट्स पोल्यूटेड बाय सम ऑफ आवर ओन एक्टिविटीज़। और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से ही गंदा हो रहा है। सो द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। सो एयर पोल्यूशन इज़ एन एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू द एयर। हमारे जिस भी एक्टिविटी से हवा अगर गंदा हो रहा है तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट पोल्यूट एयर आर स्मोक रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स, स्मोक एंड डस्ट कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्रीज, बर्निंग गार्बेज इन ओपन स्पेसेस, बस्टिंग फायर क्रैकर्स। कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं जिससे कि हवा गंदा हो रहा, हवा, एयर जो है पोल्यूट हो रही है, वो एक्टिविटीज़ हैं जैसे गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, स्मोक और डस्ट जो फैक्ट्रीज से निकलती है, और कचरा जो हम जलाते हैं उससे निकलता हुआ धुआं, और जो पटाखे हम फोड़ते हैं, बस्टिंग फायर क्रैकर्स, उससे एयर जो है वो पोल्यूट होता है। नेक्स्ट हम लैंड पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। लैंड पोल्यूशन को सॉइल पोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। सो लैंड पोल्यूशन इज़ एन एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू द लैंड। लैंड पोल्यूशन क्या है? जिस भी एक्टिविटी से हम मिट्टी को अगर नुकसान पहुंचाते हैं या उसमें उसे गंदा करते हैं तो इसे ही हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। और सम प्रैक्टिसेस दैट कॉज लैंड पोल्यूशन आर। अब हम उन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होती है। सो फर्स्ट है फेलिंग ऑफ ट्रीज, मीन्स पेड़ों की कटाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द सॉइल बाई फार्मर्स। पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक, जो खेती में या प्लांटेशन में पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक डाले जाते हैं जिसकी वजह से फसल में कीड़े ना लगे, उसका अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो भी मिट्टी को ख़राब करता है, गंदा करता है। और थर्ड पॉइंट जो है थ्रोइंग गार्बेज लाइक कैंस, प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स इन ओपन स्पेसेस। अगर हम खुले में प्लास्टिक से बने हुए चीज़ें फेंकते हैं, जैसे पॉलीथीन बैग्स हो गए, प्लास्टिक के अदर मटेरियल्स हो गए और कैंस हो गए, तो वो इससे भी सॉइल पोल्यूशन या फिर लैंड पोल्यूशन होती है। नेक्स्ट हम वाटर पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। वाटर पोल्यूशन इज़ एन एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू द वाटर बॉडीज़, ओके। सो सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट पोल्यूट वाटर आर। सो पानी अगर गंदा हो रहा है तो वो वाटर पोल्यूशन है। तो इसके जो रीजंस हैं वो क्या है? थ्रोइंग वेस्ट इनटू रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़। कचरा हो या किसी भी तरीके का वेस्ट मटेरियल हो, अगर उसे हम नदी में फेंकते हैं या किसी अदर वाटर बॉडीज़ में फेंकते हैं तो इससे वाटर जो है वो पोल्यूट होता है। सेकेंड, रिलीजिंग हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू रिवर्स। फैक्ट्रीज जो है उनसे जो वेस्ट बाहर निकलता है, हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकलते हैं और अदर वेस्ट बाहर निकलते हैं, वो सीधे सीधे नदियों में जाके
गिर जाती हैं, सो इससे भी वाटर पोल्यूशन होती है। थर्ड, वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर्स, जानवरों को नहलाना, ठीक है, ये अदर रीजंस हैं वाटर को पोल्यूट करने का। द सेम थिंग हैज़ बीन रिटन इन द फोर्थ लाइन ऑल्सो, बाथिंग ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग इन रिवर्स। ओके, नेक्स्ट हम नॉइज पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। नॉइज इज़ रिलेटेड टू साउंड, नॉइज जो है वो साउंड यानी आवाज़ से संबंधित है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ द एक्ट ऑफ डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट विथ अनप्लीजेंट एंड लाउड साउंड। अगर काफ़ी तेज आवाज़ आ रही है, काफ़ी शोर हो रहा है, या काफ़ी तेज म्यूज़िक बज रही है, या गाड़ियों के हॉर्न हो या साउंड सिस्टम हो, वो नॉइज़ पोल्यूशन फैलाती हैं, ठीक है। रीज़न क्या है? फर्स्ट, लाउड मशीन्स इन फैक्ट्रीज़, फैक्ट्रियों के अंदर जो मशीनरी चल रही होती है उनसे काफ़ी शोर होता है, दैट ऑल्सो मेक्स नॉइज पोल्यूशन। सेकेंड, अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स बाई पीपल ड्राइविंग व्हीकल, सड़क पे लोग जो गाड़ी चला रहे होते हैं अगर कोई बेवजह हॉर्न बजा रहा है, दैट ऑल्सो कम्स अप विथ नॉइज पोल्यूशन। थर्ड पॉइंट, लाउड म्यूजिक इन व्हीकल एंड पब्लिक प्लेसेस, अगर हम काफ़ी तेज आवाज़ से म्यूज़िक बजा रहे हैं गाड़ी के अंदर हो या किसी पब्लिक प्लेस में हो, दैट ऑल्सो मेक्स नॉइज पोल्यूशन। एंड फोर्थ पॉइंट, बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, अगर पटाखे फोड़ते हैं जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है तो इससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। अब पोल्यूशन के बाद हम बात कर लेते हैं सेविंग एनवायरनमेंट, यानी हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएंगे, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी इज़ स्लोली डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, हमारी जो भी यानी हम ह्यूमंस जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं इससे हम हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है और ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, ठीक है। व्हेन वी कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन वी लिव अ हाइजीनिक लाइफ, हमारे अगर हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं तो हमारा जीवन भी काफ़ी साफ सुथरा रहेगा। सो हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं? सो फर्स्ट स्टेप है, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, ट्रीज़ मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है, हमें प्लांट्स लगाने हैं, ट्रीज़ लगाने हैं। प्लांट्स और ट्रीज़ क्या करते हैं? हवा को शुद्ध करती हैं, दे मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। सेकेंड स्टेप है, वी शुड नॉट बस्ट क्रैकर्स, दे रिलीज नॉइज एंड हार्मफुल स्मोक इन टू द एयर, हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पटाखे न फोड़ें, क्योंकि पटाखों से पहला नॉइज पोल्यूशन होता है, साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी होता है। थर्ड, वी शुड यूज़ व्हीकल्स फिटेड विथ CNG किट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोलियम, हमें ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए जो CNG किट्स फिटेड हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। फोर्थ स्टेप है, वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स एंड यूज़ ओनली बैग्स मेड अप ऑफ क्लोथ एंड पेपर, हमें पॉलीथीन बैग्स यानी प्लास्टिक के बने हुए बैग्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हमें कपड़ों से या फिर पेपर से बना हुआ बैग इस्तेमाल करना चाहिए। अगला स्टेप है, वी शुड ऑलवेज़ यूज़ गार्बेज बिन्स टू थ्रो गार्बेज, हमें कचरा फेंकने के लिए हमेशा डस्टबिन या गार्बेज बिन्स की इस्तेमाल करना चाहिए, हमें खुले में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। लास्ट पॉइंट, फॉलो 3 R's, 3 R's मीन्स फर्स्ट R इज़ रिड्यूस, सेकेंड R इज़ रीयूज एंड थर्ड R इज़ रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जो है यही 3 R's हैं, ठीक है। सो रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना, टू यूज़ लेस एंड नॉट वेस्ट। फर्स्ट है रिड्यूस यानी कम करना, टू यूज़ लेस एंड नॉट वेस्ट, हमें कम से कम प्लास्टिक मटेरियल्स की यूज़ करना है। सेकेंड, रीयूज़, टू यूज़ द थिंग्स अगेन फॉर सम अदर पर्पस, अगर ऐसी चीज़ जो हमें लगता है कि अब यूज़ नहीं है, यूज़ के लायक नहीं है, तो हमें उन चीज़ों को भी दूसरे इस्तेमाल में लाना है, सो दैट हम उसे फेंकें नहीं, अगर हम फेंकेंगे नहीं तो गार्बेज कम फैलेगा, ठीक है। और थर्ड आर है रिसाइकल, टू मेक समथिंग न्यू आउट ऑफ वेस्ट, रिसाइकल मीन्स अगर हमने किसी चीज़ को फेंक दिया है तो उससे हम अगर कोई नई चीज़ बना सकते हैं तो हम ज़रूर बनाएं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स, सो अगले वीडियो में हम इस लेसन का एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।